अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और मैंने आज बनाए थे नाश्ते में पराठे, और आज मैं ये सेवइयाँ जो कि कच्ची सेवइयाँ मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इनको रोस्ट कर रही थी। ये देखें इस तरह से ये थी और काफ़ी देर लग रही थी इनको रोस्ट करने में। और लो फ्लेम करके गैस की इनको रोस्ट करना होता है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है इनमें, काफ़ी टाइम लग गया था। और दो बारी में मैंने इनको रोस्ट कर दिया था, फिर कुछ देर के लिए मैंने इनको बड़े से बर्तन में इस तरह से रख दिया था मैंने पंखे के नीचे, ताकि इनमें से जितनी भी हीट है वो निकल जाए। और ये मैं अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी और साथ में कर रही थी क्लीनिंग। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ या फिर कोई म्यूज़िक प्ले करके मैं बैठती हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है मेरे पास। और आज मेरा मन था बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते टाइम, कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं म्यूज़िक सुनूं, कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है अपने कोई फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके रखें और तब क्लीनिंग वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे बेटे को एडमिट कार्ड मिल गया था तो मैं उसको स्टिक करके रख रही थी। और कभी कभी फैमिली टाइम भी होता है जब हम नाइट टाइम में मूवी देखते हैं साथ में, वो भी कभी कभी मैं साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही थी। और ये पिलो कवर मैंने चेंज किए थे, और उसके बाद करनी थी मुझे बेडशीट चेंज। और मेरे बेड के नीचे काफ़ी डस्ट आ गया था, पता नहीं किस तरह से डस्ट आ जाता है इतना सारा। और ये देखें, ये काफ़ी चीज़ें उलट पुलट रहती हैं मॉर्निंग के टाइम में, और जैसे कि रात में मेडिसिन वगैरह ली है और ये सारी चीज़ें इसी तरह से बिखरी हुई हो जाती हैं। काफ़ी मैं समेटती रहती हूँ, फिर भी इतना समेटने के बाद भी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो ही जाता है। और मैं यहाँ पर डस्ट भी क्लीन करती जाऊँगी। और ये मैं अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी यहाँ पर, और साथ में मैं मेडिसिन भी यहाँ से हटा रही थी जो अभी मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं नीड थी जिनकी, उनको मैं यहाँ से हटा के रख रही थी। और साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही थी म्यूज़िक के साथ। और ये अभी मैं कर रही थी थोड़ी सी डस्टिंग, जैसे कि थोड़ी थोड़ी डस्ट आ ही जाती है। और ये कुछ वॉलपेपर मैंने यहाँ पर लगाया था, और ये कर्टन्स वगैरह मैं निकाल रही थी अभी धोने के लिए, तो बेडशीट्स वगैरह भी मैं चेंज कर रही थी, बेडशीट को मैंने निकाल लिया है। और ये जो मेरे मैट्रेस थे, ये इसके नीचे काफ़ी सारी डस्ट, ये देखें काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है पता नहीं कैसे, तो मैं इसको करने लगी हूँ आज क्लीन। और एक मेरे मैट्रेस का जो पूरा जिप है वो भी ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं उसको भी एक दिन अच्छे से उसको ठीक करूँगी। एक्चुअली मैं जिप भी मुझे पूरी लगानी थी उसमें। और ये देखें काफ़ी सारी डस्ट यहाँ पर निकल गई है, मैंने इसके नीचे एक पन्नी लगाई हुई है तब भी, उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारी डस्ट मैंने निकाली है यहाँ से। ये मैं इस तरह से ये पन्नियों को सेटल करती जा रही हूँ ताकि डस्ट बीच में से अंदर ना जाए अंदर, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो डस्ट अंदर ना जाए। और अंदर भी मैंने पैक किया हुआ है अच्छे से, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट चली ही जाती है अंदर। और ये देखें इसके बाद में मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी, और आज मैंने काफ़ी सारे कर्टन्स वगैरह निकाल लिए थे धोने के लिए, और कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे ये देखें। और इनको मैं सबसे पहले सामने वाले रूम में रख के आऊँगी ताकि मैं यहाँ से क्लीनिंग कर सकूँ अच्छे से। और ये मिरर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, और अब करने लगी हूँ मैं गाने चेंज। और इसके बाद में मैं यहाँ पर देखें मेरे बेटे ने किस तरह से ये पजल को फैलाया हुआ है, और एक ड्रॉर है उसकी अलग से यहाँ पर भी पजल रखने के लिए, बट वो फिर भी अपने टॉयज फैला कर ही रखता है सारे में, तो उनको मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि वो नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे तो मैंने सेकंड ड्रॉर ओपन की है और उसी में डाले हैं फिर बाकी के सारे पजल, ये देखें
और उसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करने लगी हूँ। डस्ट आती जा रही थी, जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी तो डस्ट यहाँ से ख़त्म नहीं होगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और जब मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के छोड़ देती हूँ और मोप बाद में लगाती हूँ, पोछा वगैरह लास्ट में। जब कपड़े मेरे सारे वॉश हो जाते हैं अच्छे से तब मैं मोप लगाती हूँ सारे में, पूरे फ्लोर पर। और ये देखें, जब गद्दे वगैरह हम झाड़ते हैं, गद्दे वगैरह हम अच्छे से डस्ट उनकी निकालते हैं तो काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है फ्लोर पर भी, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इस रूम में मैं लगाने लगी हूँ मॉप, क्योंकि मुझे थोड़ा डस्ट सा फील हो रहा था, अभी भी क्लीन सा नहीं लग रहा था मुझे। तो एक बार मैं अभी मॉप लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं दोबारा से मॉप सारे फ्लोर पर लगा दूँगी एक बार। तो अभी मैंने थोड़ा सा मॉप लगा दिया है ताकि धूल वगैरह जो जितनी भी थी वो यहाँ से, देखें ये वॉलपेपर ख़राब हो गया था बट अभी हमें इसे चेंज नहीं करना था। और ये देखें, हमने क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी है। और एक ये मैं लेकर आई थी हेयर्स को टाई करने के लिए, और यहाँ पर ये पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और ये जो मैंने रोस्ट करे थे वो ही यहाँ पर सेवैयाँ रखी हुई हैं मैंने डब्बे में करके। और ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है जो कि इसका डिस्प्ले और टच टूट गया था तो उसको रिपेयर कराने के लिए उन्होंने रखा था। और ये थी एक वाटर बॉटल जो मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे बेटे की साइकिल में लगाने के लिए, उसको साइकिल चलाते हुए उसको प्यास लग जाती है इसलिए। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए एक बॉडी लोशन था और एक कंडीशनर था बायोटिक का, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। कंडीशनर तो काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्मूथ बाल हो जा रहे थे उससे, मैंने 2 बारी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा था कंडीशनर। और बॉडी लोशन अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, बाकी ये छोटे छोटे सैंपल थे। अगर मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह मैं बड़े पैक पीस के मंगवाऊंगी। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली थी तो मैंने कपड़े यहाँ पर डालने शुरू कर दिए थे। और ये देखें, काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे। और कर्टन्स वगैरह मैंने निकाली थी और मेरे बेटे की जीन्स वगैरह ये काफ़ी सारी इकट्ठा हो जाती हैं। और आजकल के बच्चे जीन्स पहनते हैं, लोवर लोवर भी पहनता है मेरा बेटा घर में, बट वो कुरान वगैरह पढ़ने के लिए जाता है तो उसे जीन्स चाहिए होती है। और स्कूल की भी यूनिफॉर्म हो जाती है काफ़ी सारी, 2 बेडशीट पड़ी हुई थी यहाँ पर। और बाकी कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, ये देखें ड्रायर करके मैं टब में डालती जा रही हूँ। और ये जो जितने भी मेरे धुलने में जाने वाले कपड़े हैं वो एक साइड पर रखे हुए हैं, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और मैं कुछ रिपेयर कर रही थी कोई चीज़, तो इसलिए मैंने ये हथौड़ी और ये सब चीज़ें कील वगैरह ये पेच वगैरह रखे हुए थे यहाँ पर, पेचकस वगैरह रखे हुए थे यहाँ पर टूल्स। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारे कपड़े उलट के रख रही थी, पलट के रख रही थी ताकि उल्टे करके आसानी होती है, धूप वगैरह में अगर डालो तो कलर नहीं जाता है उनका आसानी से। और कुछ कपड़े मैं यहीं पर डाल लेती हूँ और कुछ कपड़े अभी रह जाते हैं तो मैं सामने वाली छत पर डलवा देती हूँ। अभी भी थोड़े से कपड़े रह गए थे और काफ़ी सारा टाइम, बहुत जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश करती हूँ, ज़्यादा टाइम में नहीं लेती हूँ कि पूरा दिन लगा के मशीन में रखूँ। और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करती हूँ और उसके बाद में मैं अपने सारे सभी काम कर डालती हूँ ताकि किसी काम को लेट ना हो। और ये देखें, सर कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर डाले हैं और बाकी के कपड़े मैंने टब में रखे हुए हैं जो कि मैं सामने वाली छत पर डालने वाली थी। और ये देखें, काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। अभी मौसम एकदम क्लियर हो गया था और कपड़े मैं आसानी से डाल सकती थी छत पे, तो वहाँ आसानी से सूख जाएंगे। और वैसे भी कई दिन मौसम इतना ख़राब रहा है कि बारिश वगैरह इतनी हो रही थी तो कपड़े नहीं वॉश हो पा रहे थे अच्छे से, और कपड़े इसलिए ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए थे। और ये मैंने मशीन भी अच्छे से वॉश कर दी है।
घर से भी अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है और अच्छे से इसको वॉश करके रखती हूँ ये देखें। और पाइप्स वगैरह जितने भी रहते हैं जिससे मैं पानी वगैरह इसमें भरती हूँ वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसके अंदर। और ये देखें फ्लोर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एकदम, ये देखें। और मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। उसके बाद मुझे बनाना था खाना, तो आज मैंने बनानी थी, यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। मैंने बनाई थी आज शलजम पालक की भूजी की सब्ज़ी होती है, और ये देखें शलजम पालक मैंने बनाए थे और ये छाछ थी जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, मेरा बेटा नहीं पीता है। और काला नमक डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी हम खाने लगे थे खाना। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।